रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुनने वाले सभी श्रोतागण और साथ ही हमारे सोशल मीडिया से जुड़े हुए सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास सीरीज में जिसका नाम है जीतेंगे हम। एक ऐसी सीरीज जहां पर हम आपकी मुलाकात कराते हैं कोविड फाइटर से, कोविड वॉरियर से और ऐसे लोग जो कोविड की परिस्थिति से निपटने में मदद कर रहे हैं। और आज की इसी कड़ी में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर श्री यशपाल यादव जी से, किस तरीके से उन्होंने कोविड की इस सिचुएशन पे बहुत सारी चीजों का इंतजाम किया और काबू पा रहे हैं धीरे धीरे, और इनके आने से एक उम्मीद जगी है आम जनता में किस तरीके से कोविड से अब निकला जाएगा और साथ ही हम कोविड से बच पाएंगे। तो यशपाल यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना के इस प्लेटफॉर्म में। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू जी सर। सबसे पहले जानना चाहेंगे कोविड की मौजूदा स्थिति फरीदाबाद शहर में क्या चल रही है। अभी कुछ समय पहले तक, 20-25 दिन पहले तक ऑक्सीजन नहीं थी, बेड्स नहीं थे, लेकिन अभी धीरे धीरे सुधर रहा है, तो मैं आपसे चाहूंगी आप थोड़ा इस पर लाइट डालें, प्रकाश डालें। आज के दिन जब हम बात कर रहे हैं तो हम बेहतर स्थिति में है और ना केवल कुल संख्या है वो कम आ रही है बल्कि हमारी जो रिकवरी रेट है वो भी 91% के आसपास है और एक्टिव केसेस टोटल नंबर्स काफी तेजी से कम हो रहे हैं। इसके अलावा बेड की अगर सिचुएशन की बात करें तो आज कोई दिक्कत नहीं है इस वक्त। ऑक्सीजन हमारे पास में इस वक्त भी, आज के दिन भी, अगले दो दिन तक की रिजर्व है, तो अभी किसी तरह की कोई समस्या नजर नहीं आती है। जी, यानी ऑक्सीजन और बेड्स की स्थिति एकदम सामान्य धीरे धीरे हो रही है। लेकिन एक सर पोर्टल लॉन्च किया है आपने हाल ही में, covidfaridabad.com करके ये पोर्टल है और इस पोर्टल पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फरीदाबाद वासियों को मिल जाएगी, कोविड से जुड़ी हुई वेरिफाइड सोर्सेस हैं। इस पर मैं चाहूंगी सर आप हमारी जनता को कुछ बताइए, फरीदाबाद वासियों को कुछ बताइए। किसी भी विपदा से लड़ने में आज के दिन जो सबसे महत्वपूर्ण हथियार है मुझे लगता है कि वो सूचना और सही सूचना प्रदान करना है। प्रथम जो लहर थी उसके दौरान भी हमने सभी नागरिकों को सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आप जैसे लोगों के माध्यम से सही सूचनाएं सही समय पर उपलब्ध करवाने की कोशिश की और यही काम इस बार भी हम कोशिश कर रहे हैं। सभी लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर सारी सूचनाएं मिले, किसी भी तरह की मदद वो जो चाहते हैं, हर फील्ड में कौन व्यक्ति हैं, उनके क्या संपर्क सूत्र हैं, उनके कॉन्टेक्ट नंबर, उनके एड्रेसेस, ये सब सूचनाएं उनको मिलें, इसके लिए ये पोर्टल जारी किया गया है। किसी भी तरह की कोविड से लड़ने के लिए आपको मदद की जरूरत है तो आपको सारी सूचनाएं वहां पर उपलब्ध होंगी और उसके अंदर कुछ ये भी प्रोविजन किया गया है कि कुछ सूचनाएं जो हमें चाहिए उसके लिए भी उसमें प्रोविजन है कि जैसे कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग एक इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है इस कोविड फाइट का। जब भी कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो उसके आसपास के लोग, उसके परिवार के, उसके साथ काम करने वाले और जो लोग उनके संपर्क में आए हैं, उन सब के बारे में हमें पता करना होता है ताकि उन लोगों को चेक किया जा सके और अगर जरूरत है तो उनकी टेस्ट करवा सकें और अगर संक्रमित पाए जाते हैं तो उनको आइसोलेट कर सकें। तो ये सूचना भी वो लोग इस पोर्टल के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। तो एक ये सिंगल पोर्टल है जहां से सब सूचनाएं आपको इकट्ठी मिल जाएंगी और इसको हम निरंतर ये प्रयास करेंगे कि जहां जहां नई चीजें इसमें जुड़ सकती हैं वो नई चीजें जोड़ें, जैसे जैसे लोगों के सुझाव आएंगे उन सुझावों के हिसाब से इसको लगातार अपडेट हम करते रहेंगे। जी यानी ये पोर्टल बहुत काम का पोर्टल है जो आम जनता को और प्रशासन को भी मदद करने वाला है। सर, एक जो सबसे बड़ा प्रश्न आता है मिडिल क्लास की अगर हम बात करें या फिर निम्न वर्ग की बात करें तो हॉस्पिटल इलाज के लिए जाते हैं लेकिन छोटे छोटे हॉस्पिटल भी लाखों का बिल दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति हॉस्पिटल जाने के नाम से ही डर रहा है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि कई हॉस्पिटल कैश में डील करना चाहते हैं, यानी वो कैश लेना चाहते हैं पेशेंट से और जो उनके इंश्योरेंस पॉलिसी है उनको भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सर क्या करना चाहिए एक आम इंसान? हरियाणा सरकार के द्वारा बहुत पहले सभी हॉस्पिटल्स के लिए रेट निर्धारित कर दिए गए थे। सभी हॉस्पिटल्स की मीटिंग करके एक बार नहीं कई बार उनको सबको ये कहा गया है कि आप सभी लोग अपने यहाँ पर रेट लिस्ट को डिस्प्ले करें
और उसी के हिसाब से चार्जेस लें। अगर आप उससे ज्यादा चार्जेस लेते हैं तो आपके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है, और इसके लिए हमने कमेटी बनाई थी जिसके समक्ष आप किसी भी तरह की कंप्लेन रख सकते हैं। जब ये शिकायतें आई तो कुछ हॉस्पिटल्स को के खिलाफ कार्यवाही भी की गई, जांच भी की गई। एक हॉस्पिटल मैंने खुद भी विजिट किया था और उसके खिलाफ कार्यवाही अभी जारी है। जब ये पाया गया कि कब इस तरह की शिकायतें ज्यादा आ रही हैं, तो जिले के 8 सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स को, उनके साथ एक ACP रैंक के ऑफिसर और एक SMO रैंक के ऑफिसर को लगाकर एक हर लेवल पे हर एरिया के लिए अलग से एक कमेटी बनाई गई है, और जो भी शिकायत आती है उस कमेटी को जाती है, वो उसकी जांच करती है, और अगर जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। ये पूरा मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से हम इस एस्पेक्ट का ख्याल रखते हैं, और लोगों को जिनको ये लगता है कि उनके इससे ज्यादा पैसा लिया गया है तो वो इन कमेटीज को अपने पूरे सबूत साथ लगाकर अप्रोच कर सकते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनका पैसा भी वापस लाया जाएगा। जी सर, एक और समस्या जो आज के समय में लोगों को बहुत डरा रही है वो है ब्लैक फंगस की, और ब्लैक फंगस को लेकर सरकार द्वारा क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं, ये हम चाहेंगे कि आप जनता को बताएं। ब्लैक फंगस अभी परसों ही सरकार ने उसको महामारी घोषित किया है और उसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। हॉस्पिटल्स, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनको इसका आमतौर पे पता है कि किस तरह से होता है। जो भी पेशेंट लंबे समय तक, जिनको शुगर रहती है, हाई शुगर रहती है, और जो काफी लंबे समय तक स्टेरॉइड्स पे रहे या वेंटिलेटर पे या ऑक्सीजन सपोर्ट पे रहे, उनको इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो जब भी उनको इस तरह की दिक्कत आती है तो उनको सबको ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इमिजिएटली अपने डॉक्टर को, हॉस्पिटल को कॉन्टेक्ट करेंगे, और उसके लिए ड्रग्स भी उपलब्ध हैं, और उसके अलावा ऑपरेट करके भी उसको ठीक किया जा सकता है। अभी एक SSB हॉस्पिटल में इसी तरह के पेशेंट को ठीक किया गया, उसको ऑपरेट किया गया है। तो ये नई समस्या है, और हम ये प्लान कर रहे हैं कि सभी हॉस्पिटल्स के साथ में एक बैठक करके इसके बारे में हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए उस पर विचार विमर्श करें, और उनकी सहायता से एक SOP क्रिएट करें जिसमें ना केवल स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स बल्कि दवाइयां जो चाहिए होती हैं उनको भी कैसे सभी को उपलब्ध हम करवाएं। इस योजना पे हम काम कर रहे हैं, और शायद कल तक हम इसके साथ एक नई SOP के साथ में वापस आएंगे ताकि इससे लड़ने के लिए एक रोबस्ट सिस्टम हमारे पास में हो। जी, यानी ब्लैक फंगस की सिचुएशन को भी काबू किया जा रहा है। सर, एक प्रश्न जो आज के समय में पूरे फरीदाबाद की जनता जो है वो झेल रही है या इस परिस्थिति को थोड़ा सा परेशान होकर इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रही है, वो है वैक्सीनेशन। 45 साल से ऊपर के बहुत सारे लोग हैं जिनको एक डोज लग चुकी है और दूसरे डोज के लिए वो काफी इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन कई बार उनको वो डोज नहीं मिल पाती। जब तक वो सेंटर में पहुंचते हैं वैक्सीन खत्म हो जाती है, और जो यंगस्टर्स हैं 18+, वो जैसे ही पोर्टल पे लॉग इन करते हैं वो पोर्टल पर जो लॉग है वो सारा खत्म हो जाता है और बंद हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में सर हम क्या सोच सकते हैं, कब तक फरीदाबाद में ये स्थिति वैक्सीनेशन को लेकर सामान्य होगी? वैक्सीनेशन इस साल जनवरी में जब शुरू किया गया तो सब लोगों के दिमागों में काफ़ी सारे सवाल थे, और दुर्भाग्य से ना केवल आम जन बल्कि सरकारी कर्मचारी भी इसको लेके बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं थे, और हमारे पास काफ़ी वैक्सीन अवेलेबल थी। हमने सब लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की, और मोटिवेट करने के लिए सीनियर ऑफिसर्स ने पहले वैक्सीन ली भी, उसका प्रचार प्रसार भी किया गया ताकि लोगों को ये लगे कि सुरक्षित है, लेकिन धीरे धीरे करके इसने पिकअप करना शुरू किया। और जो सेकेंड वेव आई उसमें ये बात बियॉन्ड डाउट एस्टेब्लिश डॉक्टर्स ने करी कि जिन लोगों ने भी वैक्सीन ले ली है उनको या तो इन्फेक्शन नहीं हुआ, अगर हुआ भी तो बहुत माइल्ड था, उनको ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुई। तो वैक्सीन की काफ़ी डिमांड अब बढ़ गई है, और वैक्सीनेशन का दोनों फेजेज 18 से 44 साल के लोगों के लिए भी हर रोज स्लॉट्स निर्धारित हैं, और क्योंकि डिमांड ज्यादा है हमारे जिले के अंदर, जैसे ही स्लॉट हम ओपन करते हैं अगले कुछ मिनट के अंदर ही ये सारे बुक हो जाते हैं। और इस बारे में बहुत सारे लोगों की ये फीडबैक भी कई बार आती है कि पोर्टल काम नहीं कर रहा है, जबकि सच ये है कि विद इन मिनट्स वो बुक हो जाते हैं।
लेकिन उसके ऊपर हम लगातार काम जारी रखे हुए हैं, और 45 इयर्स ऊपर के जो लोग हैं उनको सेकेंड डोज के लिए ओपन है, जगह निर्धारित कर रखी है, वहां पर जाकर वो वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जून एंड या जुलाई के अंदर ये तेजी पकड़ेगा और तब तक वैक्सीनेशन की और हमारी उपलब्धता बढ़ जाएगी, उसके बाद में हम सब लोगों तक पहुंच पाएंगे। लेकिन तब तक जितनी वैक्सीन हमें एलोकेटेड है उतनी हर रोज हम लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। जी, सर वैक्सीनेशन को लेकर एक बहुत अच्छा शुरुआत जो है वो गुड़गांव में की गई है, गुरुग्राम में ड्राइव इन वैक्सीनेशन की फैसिलिटी दी गई है, खासतौर पर से बुजुर्ग जो होते हैं उनको आप गाड़ी में लेकर जाइए, और काफी पॉपुलर हो रही है ये फैसिलिटी। फॉरेन में भी जैसे टेस्टिंग की फैसिलिटी ड्राइविंग होती है या फिर वैक्सीनेशन की, क्या फरीदाबाद में ऐसा कुछ प्लान किया जा रहा है आने वाले समय में? कुछ जगह हमने इस वक्त इस चीज के लिए सोची है और उसके ऊपर हम प्लान कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ऐसी डिमांड मेरे तक भी पहुंची है और उसको हम उपलब्ध करवाएंगे आने वाले दिनों के अंदर। जी सर, ईएसआई हॉस्पिटल में 50 नए डॉक्टर्स आ रहे हैं और भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बहुत सी तैयारियां हो रही हैं, तो क्या हम मान लें कि हम थर्ड वेव, जिसका डर अभी लोगों को बहुत ज्यादा लग रहा है, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं? अगर ऐसा कुछ होना है तो उसके लिए निश्चित तौर पे हम लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। हमारा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज छायसा के अंदर फंक्शनल हो गया है, 100 बेड आज के दिन भी हम इंडियन आर्मी की मदद से चला रहे हैं, और 100 बेड्स वहाँ पर हम मेडिकल जो डिपार्टमेंट है हमारा उसकी मदद से ऐड करेंगे। इसके अलावा बादशाह खान हॉस्पिटल के अंदर भी 100 बेडेड टेम्प्रेरी हॉस्पिटल क्रिएट करने की प्रोसेस जारी है। इसके अलावा बहुत सारी जगह के ऊपर लोगों ने जो अपनी तरफ से फैसिलिटीज की गई थी उनको मान्यता दी गई है। ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए हैं, 2 फंक्शनल हो गए हैं, 4 और प्रोसेस के अंदर हैं। तो इस तरह से हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं जो सरकार के काम करते हैं, उन सब लोगों को डिप्लॉय किया गया है और उन सब लोगों को तैयार किया जा रहा है कि ना केवल इस वाली वेव के अंदर वो काम ग्राउंड लेवल पर करें, बल्कि अगर आगे भी ऐसा आता है तो हमारे पास रेडीली एक पूरी डेडिकेटेड हायरार्की इस काम को करने के लिए पहले दिन से तैयार रहे। तो वो सारे सिस्टम्स तैयार करके हम रख रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति आई तो इमिडिएटली उसे लड़ने के लिए हम तैयार होंगे। जी बिल्कुल। सर अब आखिरी चीज मैं जानना चाहती हूँ, उनके लिए जिनको लॉकडाउन से सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो वर्कर हैं जो काम पर नहीं जा पा रहे हैं और अब उनको राशन की और खाने पीने की व्यवस्थाओं का बहुत ज्यादा अभाव हो रहा है, तो एनजीओ तो काफी काम कर रही है, क्या प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से उनको राशन की या कोई और सुविधाएं दी जा रही है? हरियाणा सरकार की तरफ से ऑलरेडी एक स्कीम है जिसके तहत प्रत्येक परिवार के सदस्य के लिए 5 किलो राशन उनको दिया गया है, जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके तहत ये प्रोवाइड करवाया गया है। इसके अलावा सभी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या वर्कफोर्स जिनके भी साथ में अटैच थी, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड बहुत लंबा नहीं है, तो उन लोगों ने भी इनकी मदद की है, इनको खाने के सामान और बाकी चीजें वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, एनजीओज निश्चित तौर पर करने लग रहे हैं। अगर किसी भी तरफ से डिमांड आती है तो हम लोग भी उनको प्रोएक्टिवली प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो पिछले साल की तरह अगर कभी भी जरूरत महसूस हुई किसी को तो निश्चित तौर पे हमारी तरफ से भी उनको फूड डिस्ट्रीब्यूशन का हम सिस्टम शुरू कर सकते हैं। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से जो मैंने आपको बताया 5 किलो प्रत्येक सदस्य के लिए वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। जी सर, क्या बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं हमारे शहर में, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसी मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो इंडिविजुअली अपने स्तर पर तो काम कर रहे हैं, तो क्या वो आप सबके साथ जुड़कर, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़कर आ सकते हैं और इस परेशानी की स्थिति में साथ दे सकते हैं? ये बहुत अच्छी बात है, हमारे साथ में बहुत सारे लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और जो हमारी लोकल एरिया कमेटी बनी हुई है, इस जिले को हमने 1327 हिस्सों में बांट रखा है और हर एक हिस्से को एक लोकल एरिया कमेटी मैनेज करती है। उन सब लोगों को भी कहा गया है कि अपने एरिया के अंदर जितने वॉलंटियर्स को वो शामिल कर सकते हैं इसमें शामिल करें। तो कोई भी व्यक्ति जो वॉलंटियर के तौर पे हमारे साथ काम करना चाहता है उसका स्वागत है। और मैं
कल भी इस बारे में इस टीम के साथ विचार विमर्श हुआ था कि जो पोर्टल हमने इंफॉर्मेशन के लिए लॉन्च किया है उसी पोर्टल के ऊपर हम एक लिंक भी देने जा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरह से स्वयंसेवक के तौर पर या किसी भी तरह की मदद अगर वो करना चाहते हैं तो वो इसमें अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं ताकि वो सूचना हम तक पहुंचे और उसको भी इस काम के अंदर सहभागी बनाया जा सके। तो ऑलरेडी काफी लोग काम कर रहे हैं लेकिन और अगर कोई भी आना चाहे तो उनका स्वागत है, ये अच्छी बात होगी और इसी तरह से एक दूसरे की मदद करके इसको हम जल्दी लड़ सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस कोविड की लड़ाई में हम सभी आपके साथ हैं। जिस तरीके से आपकी कोशिशें रंग लाई हैं बहुत अच्छा लगा ये जान करके, फरीदाबाद की जो ये कोविड की परिस्थिति है इससे हम धीरे धीरे निकल रहे हैं बाहर और आपकी जो कोशिशें हैं उनमें आम जनता और सभी लोग मिलकर साथ दे रहे हैं। आपके आने से एक उम्मीद की किरण आती है इस पूरे शहर में, जो कि पिछले साल भी देखी और इस साल भी वाकई ये उम्मीद की रोशनी हम सभी के लिए बहुत कुछ लेकर आई है। आप रेडियो मानव रचना के इस प्लेटफॉर्म जीतेंगे हम के साथ जुड़े सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। जीतेंगे हम सीरीज में अभी फिलहाल इतना ही, फिर से होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ, कोरोना फाइटर कोरोना वॉरियर के साथ। और जैसा कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने बताया फरीदाबाद में स्थिति सुधर रही है, बस जरूरत है थोड़ी सतर्कता की। आप अपने घर पे रहिए और दो गज दूरी का पालन कीजिए, जब भी जरूरत हो बाहर निकल रहे हैं, वैसे तो बाहर ना ही निकलिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब भी बाहर निकले तो मास्क लगाकर और दो गज दूरी का पालन कीजिए और साथ ही वैक्सीन के लिए जरूर आगे बढ़िए क्योंकि यही एक तरीका है इस चेन को तोड़ने का। बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत।